हाय, हाउ आर यू? और कैसे चल रही है आपकी वीडियो क्लासेस? एंजॉयिंग? याद रखिए, अपना फीडबैक देते रहे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9990112455। एनीवे, जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, न्यू फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक नया तरीका है पैसे उठाने का। आइए इसको समझें। इसमें कंपनी क्या करेगी, वो कहेगी बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है 1,000 रुपए है, इशू प्राइस भी 1,000 रुपए है, पर इंटरेस्ट जो है वो 0% है। लेकिन हम आफ्टर 5 ईयर्स आपको 5 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बंदा ये डिवेंचर खरीदेगा, आज वो कंपनी में 1,000 रुपए लगाएगा, 5 साल तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और 5 साल बाद उसको 5 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। इसका मतलब उस बंदे के लिए इशू प्राइस क्या हुआ इक्विटी शेयर का, 1,000 रुपए डिवाइडेड बाय 5, 200 रुपए। हाँ कि ना? बच्चे कह रहे यार फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? अब जरा ध्यान से सुनो। मान लो करंट मार्केट प्राइस जो है वो बॉन्ड का 150 रुपए है और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो 400 है। अब सोचो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्वेस्टर ये नहीं सोचेंगे यार, नहीं ये गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, डंडी काटी, इसको 250 कर दिया, थोड़ा गलत हो गया। अब इन्वेस्टर नहीं सोचेंगे, 250 की जगह और बढ़ा दो, थोड़ा और अट्रैक्टिव कर देते हैं। आप भी क्या याद रखो, 300 रुपये और ये 500। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, अब इन्वेस्टर कह रहे हैं आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा, अब इन्वेस्टर नहीं सोचेंगे यार ये डिवेंचर बाजार में आज 300 रुपए का बिक रहा है और कंपनी 5 साल बाद, नहीं डिवेंचर नहीं शेयर्स, इस डिवेंचर वाली कंपनी का शेयर बाजार में 300 का बिक रहा है और 3 साल बाद हमें ये शेयर 200 का मिलेगा। तो एक प्रकार से करंट प्राइसेस के हिसाब से भी इन्वेस्टर को लगेगा उसको 100 × 5 500 रुपए का गेन हो रहा है। हाँ कि ना? सोचो करंट प्राइस के हिसाब से इन्वेस्टर को ये नहीं लगेगा कि जो चीज बाजार में 300 की है वो हमें कंपनी कमिट कर रही है कि 5 साल बाद आपको 200 की दूंगी और सस्ता, तो आज के भाव में भी 500 रुपए का गेन है। और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस देखा जाए, रिपीट, एक्सपेक्टेड प्राइस देखा जाए तो 300 × 5 1,500 का गेन है। तो इसका मतलब इन्वेस्टर ये समझेगा ना कि साहब मुझे लगाने 1,000 रुपए हैं, इसके बदले मुझे 5 शेयर मिलेंगे। आज के हिसाब से जिन पे 500 रुपए का गेन हो रहा है और एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से 1,500 का, क्योंकि कंपनी देगी 200 में, आज का प्राइस 300, 1 शेयर पे 100 रुपए, 5 शेयर पे 500, और एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से कंपनी देगी 200, बाजार में होगा 500, 1 शेयर पे 300, 5 शेयर पे 1,500। अब कंपनी कहेगी यार, बंदा कहेगा, इन्वेस्टर कहेगा यार इसमें तो बड़ा फायदा है, मेरा गेन 500 से 1,500 के बीच कहीं भी हो सकता है, तो वो उसका इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा इस तरह के बॉन्ड्स के अंदर। सोचिए जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अब उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ कि नहीं? बेटा कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा अगर उसको बचत नहीं होगी। तो ये तो इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करने के नाना प्रकार के तरीके हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बताइए कैसा लगा? आइए एक बार पढ़ के सुनाते हैं। दीज आर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी इंटरेस्ट ऑन देम। दीज आर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी इंटरेस्ट ऑन देम। दीज डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। मेरे एग्जाम्पल में क्या है, 5 साल, और कितने शेयर मिलेंगे, 5 ही। एक शेयर कितने का पड़ेगा, 200 का। इट इज बेनिफिशियल टू द इन्वेस्टर्स
एज दे गेट इक्विटी शेयर्स एट लो रेट्स। अगर आज के हिसाब से देखोगे 100 रुपए सस्ता, 5 साल बाद के एक्सपेक्टेड प्राइस से देखोगे 300 रुपए सस्ता, इसलिए इन्वेस्टर ये डिबेंचर खरीदेगा। कैसा लगा है?